हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिजिटल सॉल्यूशन। आज आपका दिखाऊंगा 12 कार्टेज रिफिलिंग। चलिए आइए दोस्तों, देखता हूँ कैसे रिफिलिंग करते हैं। ये फोर्थ थ्रेड स्क्रू ड्राइवर है, एक ट्वीज़र है, ये एल या आपका बना लेना पड़ेगा, बना सकते हो क्योंकि ये 12 कार्टेज खुलने के लिए लगता है, और ये नोस प्लस है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, ये डस्टर है। आइए चलिए पहले इस तरफ ओपन कीजिए, यहाँ पर दोनों स्क्रू रहता है, एक स्क्रू गायब हो गया और एक स्क्रू अभी खुल रहा हूँ। खुलने के बाद ये जो सॉकेट है ये खुल जाएगा। इसके बाद दूसरा तरफ से जो ये जो स्प्रिंग रहता है ये खुलना पड़ेगा। उसके बाद ड्रम रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद ये है ड्रम चार्जर, ये निकलना पड़ेगा। ड्रम चार्जर निकलने के बाद जो एल वाला जो बनाया था उसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लॉक रहता है, ये लॉक पहले खुलना पड़ेगा। ये देखिए लॉक होता है, दोनों तरफ से ये पिन रहता है, पहले एक साइड में खुल लेता हूँ। इस तरफ भी देखिए ये पिन रहता है। ये देखिए दूसरा पिन निकल आया। इसके बाद ये जो कार्टेज है दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए दोनों तरफ से डिवाइड हो गया। यहाँ पर जो चार्जर रिमूव किया था उसके नीचे वाला जो है ये ब्लेड, ये जो ब्लेड है ये आप रिमूव कर सकते हो, नहीं तो नया वाला लगा सकते हो, नहीं तो पुराना वाला सर्विस करके लगा भी सकते हो। ये आपका डम ब्लेड है, देखिए मैंने क्लीन करके लग रहा हूं। ये जो ब्लेड है
और ड्राम है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा परचेस करने के लिए। और कॉम्पिटेबल जो कार्टेज है वो भी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हो। ये जो अभी लगाया था ये ड्रम गार्ड है, ठीक है। ये अगर सही तरीके से नहीं लगाया तो ड्रम जो है उसका चोट लगेगा, मतलब कोई भी स्क्रू ड्राइवर अगर लगेगा ड्रम के गांव में तो ड्रम चोट हो जाएगा, तो पिंट बहुत खराब आ जाएगा, दाग दाग आ जाएगा। और ये दूसरा पार्ट आ गया, ये देखिए ये चार्जर सेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक रोलर बोलते हैं। ये खुलने के लिए यहाँ पर देखिए एक स्क्रू रहता है, ये खुलने के बाद ये मैग्नेटिक रोलर निकल आएगा। ये देखिए ये जो स्क्रू है ये खुलने के बाद, ये जो सॉकेट है सॉकेट ध्यान से निकालोगे क्योंकि यहाँ पर एक चार्जिंग सेक्शन है जो बायस बोलते हैं, और ये जो स्प्रिंग है कभी कभी निकल जाता है। और ये जो ढक्कन है यहाँ पर इंक डालते हैं, देखिए ये जो आपका दिखा रहा हूँ जुगर वाला दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी जो इंक मिलता है वहाँ पर एक नोजल भी मिलता है, आप लोग खरीद सकते हैं। मेरा पास नोजल नहीं है इसलिए मैं जुगर वाला दिखाता हूँ। इंक डालने के बाद सही तरह से ये जो कवर खुला था ये सही तरह से लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रू खुला रिमूव किया था उसका दोबारा डाल दीजिए। मैंने बहुत धीरे धीरे से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग खुद भी रिफिल कर सकते हो। उसके बाद लगाने के बाद ये जो चार्जिंग सेक्शन है, मतलब एक घुमाकर देख लेना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो यूनिट है देखिए, यहाँ पर जो पिन रिमूव किया था वो डालना पड़ेगा, दोनों साइड जो पिन रिमूव किया था वो पहले डाल लीजिए। पिन डाल दिया मैंने, दूसरा तरफ देखिए दूसरा तरफ भी डाल देता हूँ पिन। ये देखिए दूसरा तरफ पिन आ गया। उसके बाद जो चार्जर है, मतलब डम चार्जर, वो क्लीन करने के बाद अब लोग लगा दीजिए। ये ड्रम चार्जर बोलते हैं और
ये ड्राम क्लीन कर दिया मैंने, अभी ड्राम लगाऊंगा। आइए चलिए ड्राम कैसा लगाता है ये देखते हैं। इसके बाद ये दाएं तरफ जो स्प्रिंग रिमूव किया था ये लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये जो सॉकेट है ये लगा दीजिए। लगाने के बाद जो स्क्रू है वो फिर से डाल दीजिए। अभी रिफिलिंग हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए लगाने से बाद एक बार आप लोग ड्राम